हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? तो देखो, जो नीट 2024 है वो बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ठीक है? और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप लोगों को अब अगले 8-10 दिनों के लिए सावधान रहना है, ठीक है? तो एक तरीके से नीट 2024 के लिए फाइनली अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हो आप, उसकी मैं कुछ टिप्स आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप और बच्चों के साथ में भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर लास्ट ईयर जितना बेहतरीन कंटेंट मैंने डाला था सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए, उससे कहीं ज्यादा बेटर कंटेंट आपको मिलेगा और फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आपको नीट 2025 का जो हमारा सेशन है उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो तो मैं धीरे धीरे सरप्राइजेस रिवील करता चला जाऊंगा इस चैनल के ऊपर, बट उनको जानने के लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, राइट? तो देखो, नीट 2024 के लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब अगले 10 दिनों के अंदर या अगले 12 दिनों के अंदर आप क्या नया पढ़ने वाले हो उससे आपको कुछ भी बेनिफिट होने के चांसेस नहीं है। यानी कि अभी तक आपने जितना अपने आप को बेटर तरीके से तैयार किया है पढ़ाई के रिस्पेक्ट में वो सफिशियंट है, आपको उसी को और ज्यादा मजबूत करना है। तो सर, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में अगर कोई तैयारी नहीं बची और आप कह रहे हो कि अगर कुछ नया कर भी लोगे तो उसका कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, तो फिर हम करें क्या? किस तरीके से अपने आप को नीट 2024 के एग्जाम के लिए तैयार करें? तो देखो, यहां पर मैं पढ़ाई वाली तैयारी की बात नहीं कर रहा कि फिजिक्स में ये दो चार टॉपिक और पढ़ लो, केमिस्ट्री में ये तीन चार चीजें और पढ़ लो, राइट? उसकी बात नहीं कर रहा। उसके लिए तो मैं ऑलरेडी एक ट्रुथ एस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि उसका कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। मैं साइकोलॉजिकल, ये जो मेंटेलिटी है ना, ये जो माइंड सेट है, इसकी तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको आप लोगों को अगले 10-15 दिनों के अंदर तैयार करना है ताकि जो भी कुछ आप लोगों ने साल भर मेहनत करी है उसका ऑप्टिमम आउटपुट आपको मिले। कई बार क्या होता है कि बच्चे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट एट द एंड वो जब एग्जाम पास में आता है तो जो एग्जाम का प्रेशर है, वो जो एग्जाम को लेके एंजाइटी होती है, उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते। नट शेल में कहूं तो वो अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं कर पाते फॉर द एग्जाम, और उनका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के बावजूद बिगड़ जाता है, राइट? तो क्या करना है आप लोगों को, दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उनका आपको खास ख्याल रखना है। देखो, सबसे पहला काम आपको पता होगा, और हमारे जो भारतीय दर्शन के पुराण है उसमें कहानी बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है कि एक ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए विश्वामित्र जी एक बार तपस्या कर रहे थे। और जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हो, आप तपस्या करते हो, आप भी तो नीट की तैयारी कर रहे हो, एक तरीके की तपस्या ही है, तो ऐसा होता ही है कि या तो राक्षस आ जाते हैं विघ्न डालने के लिए, राइट? या फिर अप्सराएं आ जाती है, राइट? तो अभी जो नीट का जो माहौल चल रहा है, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन का, उसमें आपको राक्षस और अप्सराएं दोनों मिलेंगी। मतलब मैं असली के राक्षस और असली की अप्सराएं नहीं बता रहा, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर आपकी भलाई के नाम पर, आपका फायदा पहुंचाने के नाम पर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है? मैं अपने आप को बहुत ज्यादा रोक रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा गेन होता है उस चीज का कि एट दी एंड आप अगर लंबे लंबे सेशंस लेते हो, पूरी की पूरी 11वीं क्लास आप वन शॉट पढ़ रहे हो, पूरी की पूरी 12वीं क्लास आप वन शॉट पढ़ा रहे हो, उससे आपको बहुत ज्यादा रीच मिलती है, बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं, आप बहुत ज्यादा तेजी से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। लेकिन जब आप एज अ टीचर सोचते हो, एक बच्चे के लिए सोचते हो, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर मैं बच्चे को इतना लंबे समय के लिए इंगेज करूंगा तो फिर कहीं ना कहीं वो एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर होगा या नहीं होगा, बट उसकी जो मेंटेलिटी है, उसकी जो माइंडसेट है, उसके अंदर कमजोरियां पैदा हो जाएगी और वो अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, राइट? तो आपको भी क्या करना है, आपको इन सबको अवॉइड करना है। बहुत मुश्किल होने वाला है, आपको ऐसे ऐसे वीडियोज मिलेंगे, इतने लुभावने थंबनेल मिलेंगे ना, आपको लगेगा यार इसको तो क्लिक करके देख ही लेते हैं। ऐसे लोग मतलब पता क्या क्या थंबनेल बनाते हैं, जैसे फिजिक्स में लोग, अभी आप जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ना, तो लोग पता क्या बनाएंगे कि यार ये 40 टॉपिक एक लाइव सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, और इसके अंदर से पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, कोई नीट का पेपर प्रेडिक्ट करेगा, राइट? ये सब लुभावने जो थंबनेल्स है, इनसे बच के रखना। अगर मैं भी डाल रहा हूँ ना ऐसा कोई वीडियो, तो बस ये मान के चलना कि सुभाष सर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए डाल रहे हैं। अगर आप सच में सिंसियर हो अपने एग्जाम को लेकर, तो मत क्लिक करना उसके ऊपर, ठीक है ना? तो आप लोगों को अवॉइड करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। आपको जो अट्रैक्टिव थंबनेल्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव थंबनेल्स, यानी कि मैं एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना? और लॉन्ग लाइव सेशन, इनको आप लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है? बिल्कुल भी आप इनको ना देखें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? दूसरी चीज जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को अब धीरे धीरे दिक्कत होने लग जाएगी, और वो है आपकी नींद। आप देखो कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ना, आपका शेड्यूल गड़बड़ाएगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी अगर आपने एग्जाम को लेकिन बहुत ज्यादा सिर के अंदर टेंशन पैदा कर लिया, राइट? तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका खाना पीना, ठीक है? तो जैसे आप अवॉइड करो इस टाइम पर बाहर जाकर खाना पीना। देखो, शादियों वादियों का माहौल चल रहा है ना, तो
मत खाया करो यार, मत जाया करो शादियों के अंदर, क्योंकि अगर आपने कुछ गड़बड़ खा लिया, पी लिया, बीमार पड़ गए, तो पूरा बंटाधार हो जाएगा जो भी साल भर आपने मेहनत करी, ठीक है ना। और दूसरा है नींद। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार, जब किसी एग्जाम की तुम तैयारी करते हो। तो अगले 10-15 दिन आपको विशेष ख्याल रखना है यार, मुझे हल्का फुल्का खाना पीना, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, बाहर नहीं जाना, ठीक है, पतासी पकौड़ी कचौरी वगैरह नहीं खानी मेरे को, और किसी भी तरीके से अपने आपको बीमार होने से बचाना है, पहली चीज, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एकदम सिर के ऊपर एसी चला के मत बैठ जाना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी धूप के अंदर मत निकल जाना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पी लेना, ये सब छोटी छोटी बातें। आप बोलोगे सर इनका एग्जाम, इन्हीं का है एग्जाम से रिलेशन अगले 10-15 दिनों के लिए, राइट। और दूसरा है नींद। आज से ही अपनी नींद को सिस्टमैटिक बनाना स्टार्ट कर दो, एक प्रॉपर टाइम पर सोना स्टार्ट कर दो और एक प्रॉपर टाइम पर जगना स्टार्ट कर दो। देखो जगने का तो फिर भी कुछ नहीं कह सकते, बट सोना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले लिटरली फोन करके बोलते हैं कि सर हमें तो नींद ही नहीं आ रही, और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले नींद नहीं आती, उसकी वजह से पूरा का पूरा एग्जाम बिगड़ जाता है। अगले दिन उनका दिमाग जो है बहुत लीस्ट लेवल पर वर्क करने लगता है। अपने खाने पीने को और अपनी नींद को, इन दोनों को बहुत सिस्टमैटिक बनाना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से, ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोगों को फिर बाद में याद आएगी कि यार सुभाष सर ने बोला था और हमने उस दिन सुना नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज जिसके बारे में मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि जब आप लोग पढ़ाई करते हो, खासकर जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो वो अच्छे नोट्स बनाते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल एंड में हेल्प के नाम पर या किसी नाम पर बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुझे तेरे नोट्स दे दे, है ना, मुझे इस चैप्टर के नोट्स दे दे, इसका मॉड्यूल दे दे, इसके क्वेश्चंस दे दे, ठीक है ना, फिर मैं तुझे पढ़ के दोबारा से लौटा दूंगा। तो आपका पूरा का पूरा जो ओवरऑल सिस्टम आपने बनाया नोट्स का, शॉर्ट नोट्स का, राइट, वो इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने दे रखा है किसी को तो भैया उसको वापस से ले लो, क्योंकि एंड टाइम पर हो सकता है किसी चैप्टर को आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत पड़े, और फिर आप ढूंढने जाओ तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स ही ना मिले जो कि आपने खुद ने बड़ी मेहनत से बनाए थे। आप अपने दोस्त को फोन करोगे यार तूने लिए थे, वो हमें हो सकता है मना कर दे कि यार मैंने तो नहीं लिए यार, ठीक है ना। तो अभी से अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, तो जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इन सब को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो, इन सबको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो। इधर उधर बिखेर रखे हैं, इधर उधर आपने दे रखे हैं किसी को, तो इनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है भाई। ये तीसरी प्रिपरेशन है जो कि आपको फाइनली अपने लिए तैयारियां करनी है, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे आखिरी चीज है जिसके बारे में मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अपन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दिमाग में चलने वाली जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको नंब करना सीख लो, उनको दबाना सीख लो, उनको एक तरीके से साइड में करना सीख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा एक अलमीरा का एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर सपोज करो किसी अलमीरा के अंदर कपड़े ठूस रखे हैं, ठीक है, तो जिस टाइम पर आपको जिस स्पेसिफिक टी शर्ट की जरूरत पड़ेगी ना कि यार आज तो मुझे वो रेड कलर वाली टी शर्ट पहननी है, आप ढूंढने जाओगे अलमीरा पूरी ठसाठस भरी हुई है, इतना डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, आपको वो टी शर्ट मिलेगी नहीं। और सेम चीज आपके साथ में एग्जाम में हो सकती है, अगर आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, अगर दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो फिर एग्जाम में जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हो सकता है वो आप रिकॉल ही ना कर पाओ, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, इस टाइम पर आपको अपनी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, ठीक है ना, इसके ऊपर काम करना है। आप आधा घंटा या एक घंटा निकालकर अपनी ब्रीदिंग को रेगुलराइज कर सकते हो। मैं फास्ट और स्लो करने की बात नहीं कर रहा, मैं रिदमिक बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप स्लो कर सकते हो अपनी ब्रीदिंग को तो बहुत फायदेमंद होगा, आप देखोगे आपके दिमाग की जो कामनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और साथ ही साथ में आप किसी भी तरीके का मेडिटेशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो आखिरी के 15 दिनों के लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। और ये आपको यहां पर भी हेल्प करेगा, राइट, विथ योर रेगुलराइज्ड और रिदमिक ब्रीदिंग एंड विथ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन यू कैन ईजिली मेंटेन योर स्लीप, राइट। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे कि सर हम तो बच्चे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सा मेडिटेशन करना है, हम तो बस मेडिटेशन के नाम पे बाबा रामदेव को जानते हैं और वो एक नाक को बंद करके फुसफुस करने के लिए बोलते हैं, भैया वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है यू शुड सिट कंफर्टेबली, आप अपनी प्लेस के ऊपर जहां पर शांति है वहां पर कंफर्टेबली बैठ जाओ, अपनी सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करो और फिर उसके बाद में अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करो विथ द अटेंशन एट योर ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है। तो आप देखोगे कि दिमाग में बहुत ज्यादा इधर उधर की थॉट्स चल रही होगी ना, तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो भी रैंडम होगी,
फिर आप अपनी ब्रीदिंग को जैसे जैसे सिस्टमेटिक बनाते जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रही है इधर उधर की, वो भी शांत होना स्टार्ट हो जाए। इतना सिंपल होता है मेडिटेशन करना, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्सफुली मेडिटेशन नहीं करना, वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। यार सर ने बोला है आप तो रोज 1 घंटे बैठ के, मैं तो बस ऐसा ओम का जप करने वाला हूँ, वो सब नहीं करना। मेडिटेशन करने का मतलब आप बच्चों के लिए है टू बी रिलैक्स्ड, अपने आप को रिलैक्स्ड पोजिशन में लेके आना, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना थ्रू आउट द डे, ठीक है। जब भी लगे यार टेंशन हो रही है, बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर आ रही है, तो फिर आधे घंटे के लिए वापस से आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, अपने मेडिटेशन के ऊपर काम कर सकते हो। एंड दीज फोर थिंग्स विल प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेरी एफिशिएंटली फॉर द एग्जामिनेशन। आप देखोगे कि आखिरी में आपने भलो कुछ भी ना पढ़ा हो, अगले 10 दिन मान लो आपने जीरो पढ़ाई करी है, जीरो पढ़ाई करने का मतलब जस्ट रिवाइज कर रहे हो, अपनी चीजों को देख रहे हो बस, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ठीक है। लेकिन इन चार चीजों को आपने ध्यान से देख लिया, इन चार चीजों को आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, आप देखोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना आपको कैसी लगी ये टिप्स, अगर अच्छी लगी तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है और बच्चों के साथ में भी शेयर करना, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।